नहीं ठीक हरे बोल हरे कृष्ण वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरु वैष्णवाय श्री रूपं सागर जातं सागर रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामं गुरुदेवाय धीमते सममतये भक्ति श्रीरूपसिद्धान्ति प्रभवस्ये महात्मने शास्त्रयुक्त ततस्तत्र विप्रतिपतिनाथने श्री गौरीदास सेवा प्रकाश विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारिणी शक्ति शास्त्रयुक्त ततस्तत्र विप्रतिपतिनाशिने नामं कृष्णपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथन सुदर्श नारायण विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त अतिमर्थचरित्राय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवास्मरि गौरवाकरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानला समा संसार दहनी दत्त जीव कुल उधर कारणी करुणा वारिद कृपा दिदानी वंदे गुरु चरण कमल नित श्री हरि कीर्तनी राहे नवागना महामतमनी रोमांच पासु आय गौर प्रेमी वंदे गुरु चरण कमल सदा करिनी विग्रह
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm
हरे कृष्ण हरे बोल। ओम ज्ञान तिमिरां यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री हरि नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाचलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग दसम स्कंध कथा थोड़ा सुन लेते हैं। ब्रह्म स्तुति को इसको ये समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर रहे थे। आहुति धन्य ब्रजोग रमण्या, ब्रज की जो रमणिया कितने सौभाग्यवती। क्यों कृष्णा सभी के घर में कृष्णा बच्चे बन करके गए। अब सभी माताओं को कृष्ण स्तन पान किया। फिर कृष्ण बछड़े बन करके जितने गैया थी सब गैया को भी उन्होंने स्तन पान किया है। कहते हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ में कितने आहुति डालते हैं, सुहा सुहा करते हैं, लेकिन उसमें कृष्णा उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना प्रसन्न कृष्ण हुए। कृष्ण जब बछड़े बन करके उन्हें गैया और माताओं को जब बच्चे बन करके स्तन पान किया है। फिर हम क्या सुन रहे थे, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रज गोसा। उसके बाद में बताए पहले तो एक अहो दूसरा बार अहो अहो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है। बोले क्या है, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन जो कृष्ण है, हैं जन्मित्रम परमानंदम। कहते जिनके मित्र बन गए, जिनके बच्चे बन गए, जिनके प्रियतम बन गए, ये कितने सौभाग्यवान ये ब्रजवासी। जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिसमें कहते हैं है दुस्तज्य तस्सानुरूप अस्मी। इसलिए यहाँ पर श्री ब्रजवासी लोग कह रहे हैं नंद बाबा को, बोले नंद बाबा पता नहीं तुम्हारी जो बेटा जो कृष्ण है ना उसको प्रति हमारे स्वाभाविक रूप में इतने अनुराग क्यों, पता नहीं किस लिए उनका इतना उसको प्रति अनुराग है। हम तो उसके सिवाय रह नहीं पाते, पता केवल हम ही उसका प्रति अनुराग है ऐसे नहीं, वो भी हमारे प्रति इतने अनुराग है, हैं इतने अनुराग हमारे जैसे उसको प्रति उसका भी अनुराग हमारे प्रति। इसलिए कहते हैं ब्रजवासी इसलिए बड़े सौभाग्यवान हैं जिसका प्रति कृष्ण के सिवाय किसका प्रति नहीं। कृष्ण भी जो प्रति प्रेम करते हैं ब्रजवासी के सिवाय उसका और किसका प्रति इतना प्रीति नहीं। कहते तद भूरि भाग्यमिह जन्म किम अटप्यम जत गोकुलापि कथमांग्री रजोभिषेकम जत जीवितम निखिलम भगवान मुकुंद स्तुत्यपि जत पदरज श्रुति प्रेम विज्ञम। उसके बाद में कह रहे हैं
ए जगत रे ऐश्वर्य प्राप्त मुख जाना या प्रदान पूर्वक की भाई ब्रजवास। हाँ, पहले हम लोगों ने जो श्रवण किया था ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं प्रभु जगत का कोई भी ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए, यहाँ तक भी हमें ये मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसलिए क्या चाहिए, चाहिए तो केवल ब्रजवासियों का चरण की धूल हमें चाहिए और कुछ हम नहीं चाहिए है। इसलिए ये चीज को ब्रह्मा जी कह रहे, मैंने ये चीज को समझ गया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, जरूरत हो तो ब्रजवासियों का चरण की धूलि की केवल हमारी जरूरत है। इसलिए इसी विषय पर ब्रह्मा जी निश्चय रूप में इसको दृढ़ कर लिया, इसके सिवाय और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए ये श्लोक को तब कह रहे हैं पहले, तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम, तद भूरी भाग्य, ब्रह्मा जी कहते हैं यही मेरा सौभाग्य का विषय हो। बल्कि क्या तुम्हारे सौभाग्य का विषय हो, कहे प्रभु तुम्हारा जो उदार कृपा कटाक्ष हमारे निपेदित है, आपका जो कृपा कटाक्ष कैसे बड़े दयालु बड़े कृपालु उदार कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर में पड़े, यही भाव उसको उत्तर में कहते हैं। कहे प्रभु आपका ब्रज में ना, हम जैसे आपका ब्रज भूमि में जैसे हम कोई लता पता रूप में जैसे घास भूसा होकर जैसे आपका वृंदावन में जन्म ले ले, जब बोले जन्म ले ले बोले ये तो दुर्लभ है, ब्रज में ये भी दुर्लभ है। लेकिन इसको और कोई कहते हैं जब कृष्ण कभी कोई पूछते हैं बोले ब्रह्मा बताओ तुम क्या चाहते हो, तद भूरी भाग्य यही मेरा सौभाग्य, बोले क्या चाहते हो, क्या ब्रज में मेरा कोई सखा सखी रूप में जन्म लेना चाहते हो, बोले नहीं 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 ब्रो आपका ब्रज में सखा सखी रूप में जन्म ले ही नहीं सकता, हमारा इतना सौभाग्य नहीं। कहते फिर वहाँ की कोई पशु पक्षी रूप में जन्म लेना क्या चाहते हो, बोले नहीं नहीं हम इतना सौभाग्य नहीं किया, वहाँ की पशु पक्षी भी हम बन सकते हैं। बोले फिर वहाँ की कोई घास बनना चाहते, बोले नहीं नहीं वो भी लता पता घास भी बनने का मेरा भी इतना सौभाग्य नहीं, बोले फिर बताओ क्या चाहते हो, बोले प्रभु यही मेरे सौभाग्य का विषय हो। कहते ब्रज के बाहर में जो नीचे जाति का लोग रहते हैं है? जो नीचे जाति का लोग रहते हैं वो लोग कौन है, जैसे दर्जी है जो लकड़ी को काटने वाले हैं, हाड़ी तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हो, इसलिए जो जमादारिणी है जो जमादारिणी है। कहते ये जो छोटे जाति के लोग पहले पहले कहाँ रहते थे, सर्वबार कहते उनको घर को सामने अगर मेरे पत्थर रूप में अगर मेरा जन्म हो जाए हैं, पत्थर रूप में अगर जन्म हो जाए वो लोग आ करके अगर हमारे सर के ऊपर में अपना चरणों को रगड़े, जैसे कभी घर को सामने पत्थर रहता ना जब हम घर में प्रवेश करते हैं उसके ऊपर पैर को पोछ करके जाते हैं, जो घर की पोछा होता है घर को साफ करके जाते हैं पैर को साफ करके, अगर ये पत्थर जन्म अगर हो जाए अगर मेरे सर को ऊपर वो चरण रगड़ते हुए अगर अंदर में प्रवेश करे बास, अगर ये जीवन हमें मिल जाए ना हम अपना जीवन को धन्य मानेंगे। तब यहाँ पर ब्रह्मा को प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जी आप जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा हो, आप थोड़ी कोई साधारण व्यक्ति हैं, पितामह ब्रह्मा फिर हमारे संप्रदाय के ब्रह्मा जी आदि गुरु ही हमारे संप्रदाय की और हमारे मूल पिता वही से ही भगवान की नाभि कमल से सर्वप्रथम वही हुए, उनसे फिर नारद व्यास सारे गुरु परंपरा वही से, फिर ब्रह्मा जी फिर जो मनु महाराज को सृष्टि करते हैं फिर वहीं से ही सारा दुनिया सृष्टि हुआ, उनसे भी दक्ष प्रजापति भी सृष्टि हुए, दक्ष प्रजापति भी जगत का सृष्टि का सब कुछ कारण बने। बोले आप साधारण व्यक्ति थोड़ी हो, आप इतने बड़े व्यक्ति हो करके स्वयं नारद शंभु द्वादश महाजन में भी एक महाजन आप हो, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर क्या बोल रहे हो। कहते ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनको घर के सामने पत्थर बनना चाहते हो हैं, इतना छोटा जन्म क्यों चाहते हो। तो ब्रह्मा जी इसकी उत्तर देते हैं, बोले तो देखो जत जीवितम निखिलम भगवान मुकुंदम, कहते वो लोग भी साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रज के बाहर जो रहते ना वो साधारण व्यक्ति
वो बड़े सौभाग्यवान है। बोले क्या है? बोले जब मुकुंद, मुकुंद कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। मुकुंद क्यों नाम है? कहते इसका बहुत अर्थ है, कहते कुंद पुष्प इव हसी। और कृष्ण जब हंसते है ना, उनका जो हंसी है, कुंद फूल एक होता है सफेद रंग का फूल, बड़े सुंदर फूल जो खिल जाए ना बहुत सुंदर दिखता है। कहते कृष्ण जब हंसते हैं उनका हंसी कैसे है? एकदम कुंद पुष्प जैसे, जैसे कुंद पुष्प खिल जाने पर बड़ी सुंदर लगता है, ऐसे कृष्ण का जो हंसी ऐसे कुंद पुष्प जैसे हंसी, इसका एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है जो मुकुंद मतलब होता है, जो मुक्ति सुखम कृत्सकृत्या प्रेमानंदम भवती, जो मुक्ति सुख को तुच्छ करके जो प्रेमानंद को जो प्रदान करते हैं, ये मुकुंद है। इसलिए और जो मुक्तिम ददाति जा साहिब मुकुंदम, जो मुक्ति प्रदान करते हैं वो भी मुकुंद है। इसका यहाँ पर जो अर्थ ले रहे हैं, कृष्ण का हंसी कैसे? बोले कुंद पुष्प जैसे उनका हंसी। और वो जो कुंद पुष्प जैसे हंसी, वही ये ब्रज जो ब्रज की बाहर जो रहते हैं उनका हंसी हंसी ऐसे ही हंसी है, हैं? मतलब ऐसे जो हंसी ये क्या है? कहते ये ऐसे हंसी उनका जीवन है। बोले कृष्ण का हंसी को देख कर के जीवित रहते हैं, यही इनका प्राण है। इसलिए कहते जत जीवितम निखिलम गोविंद भगवान मुकुंदम। और क्या है? बोले श्रुति भी श्रुति भी मृग्यमेव, जानते हो जिनकी सौभाग्य ये श्रुतियां भी जो ब्रज के बाहर जो रहते हैं ना, ये श्रुतियों का भी, इन लोगों ने जो श्रुतियां जो मंत्र है ये लोग भी आराधना की भगवान को पाने के लिए, लेकिन ये सौभाग्य श्रुतियों को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या मैं ये श्रुतियों से बड़ा थोड़ी हो गया हूँ, श्रुतियों से थोड़ी बड़ा हो गया हूँ। इसलिए यहाँ पर तात्पर्य ब्रज के बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं वो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं, वो बड़े सौभाग्यवान हैं। तब ब्रज में बाहर उनका जत स्थान मिला, लक्ष्मी भी बैठी हुई तपस्या कर रहे हैं ब्रज में प्रवेश करने के लिए। और ये तो ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज बाहर मतलब क्या, जब जैसे जैसे गाँव के बाहर जैसे रहते थे उसी तरह वही ब्रज में ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं वहाँ भी पत्थर जीवन अगर मेरे को मिल गया तो मैं अपना जीवन को धन्याति धन्य मैं मानूंगा। हमारे रागानुगा अमृत समन निवेदित करें यही अभिप्राय निखिल अब जाते जीवन श्रुति आबादर थे कामना सुने बने अधिक यही रूप। हाँ इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे अधिक यही रूप न अमर लज्जा है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते इसके लिए कोई शर्म की बात नहीं। यदि ब्रज जनर अनुगति थे आमा के रागानुगीय, यहाँ पर कह रहे हैं अगर मुझे ब्रजवासियों की अनुगत्य में जो रागानुगीय जो रागानुगा जो भक्ति है अमृत समुद्र निवेदित करें, हैं रागानुगा भक्ति रूपी अमृत समुद्र में अगर निवज अगर हमें ये निमज्जित करते हैं, ब्रह्मा कहते यही मेरे सौभाग्य की बात है। उसके बाद में जो श्लोक कहते हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बोले तावत रागादयस्तेना स्तावत कारा गृह गृहम जावत मोहग्नि निगढ़ो जावत कृष्ण न त्यजनम। ये श्लोक में कह रहे हैं बोले तावत कारा दयस्तेना सावत कारा गृह गृहम। कहते प्रभु ये जो घर को सब जगह में देखना, जैसे प्रहलाद महाराज को जो पिताजी ने पूछा बताओ तेरे गुरुजी ने तुमको क्या सिखा दिया, वो क्या कहते हैं? बोले तत्साधु मन्य सुरवर्ज्य देहिनाम सदा समुद विघ्नम धिया असत ग्रह गृहांत कूप बोलो हितात्म पाद गृहांत कूपम वनम गतजत हरि महाश्रय। बोले प्रभु इसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ असुरवर्ज्य, उसको ही साधु मानता हूँ। ये गृह किया है, कहते गृह अंध कुआ, इसको बताया कि अंध कुए के बराबर ये गृह है, हैं? उदाहरण देते हैं ना, जैसे कोई एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था उसको पीछे एक शेर ने पीछा किया, वो अपना बचने के लिए क्या करे क्या करे, सोचा अगर कोई गड्ढे हो जाए उतर जाओ तो रखिया, नहीं तो किसी पेड़ पर चढ़ जाओ, हैं? इतने में देखा इतने में एक गड्ढा कुआ अंधकार कुआ भास, उसमें उसने
सोचा इसमें उतर जाओ, उतर जाओ। उसको ऊपर में पीपल का टहनिया था, उसको पकड़ा। जब उसको नीचे उतरने लग गए, इतने में देखा उसको नीचे काला सर्प है, वो काला जहरले सर्प। उसका हिंट मिलते ही अपना सर उठाकर फांस एकदम, हाँ क्या बोलने लग गया, सर्प हाँ डसना चाह रहे हैं सर्प। फिर ऊपर में क्या देखा, वो शेर आ गया, वो पंजा मार रहा है, सूर्य को मिलते इसको खा जाए। अभी कहाँ जाएगा, अभी जैसे टेनिया को पकड़ करके लटक रहा था, उसमें एक मधुमक्खी की छत्ता थी, वो हिल गया तो वो मधुमक्खी उड़ने लग गए और चारों तरफ इसको काट रहे। फिर क्या देखा, वहाँ पर एक बिल थी, बिल में दो चूहे थे, एक काला रंग का और एक सफ़ेद रंग का चूहा। अभी उसका हिंट मिलते ही दोनों चूहे निकल करके आ गए। अभी जिस टहनिया को पकड़ करके लटक रहे थे ना, बस दोनों तरफ से टहनिया को एक सफ़ेद काला चूहा काटने लग गया है। इतने में देखा उसमें जो मधुमक्खी छता से बीच बीच में एक आध बूंद कहीं मधु टपक रहा था, इसने उसने जीवा निकाल दिया। क्या आनंद है, क्या आनंद है। ये संसार को ये उदाहरण दिया, कहते ये शेर कौन है, बोले काल, ये हमारे पीछा कर रहा है, हैं? ये हमारे पीछा कर रहा है, हमको बताए ना जो बिल बिल, इसलिए हम पीछा कर रहा है, काल है पीछा कर रहा है हमें ग्रास करने के लिए। इतने में छलांग काल ने कहा, बोले कुएं में, बोले ये कुएं किया, बोले संसार भी अंधकार कुआ है, ये जो अंधकार था ये संसार भी एक अंधकार कुआ। उस समय जो छलांग लगाया, नीचे भी देखा वहाँ भी सर्प बैठा हुआ खाने के लिए, वो भी काल है। अभी जिस टहनिया को पकड़ करके लटक रहा था, वो टहनिया किया, बोले ये कर्म रूपी टहनिया, ये शरीर हमें क्यों मिला, पूर्व जन्म का कर्म को भोग करने के लिए। कर्म खत्म होते ना शरीर नहीं रहेगा, कर्म खत्म होते शरीर नाश हो जाएगा, इसलिए कर्म रूपी टहनिया को पकड़ करके लटक रहे। इतने में क्या हुआ, उसमें जो बिल से दो चूहे निकले, एक सफेद और एक काले, कहते ये कौन है, बोले दिन और ये राति। ये टहनिया को क्या कर रहे, दोनों तरफ से उसको काटने लग गए, वो अभी अभी गिर जाएगी। फिर उसमें जो मधुमक्खी की छता थी, वो मधुमक्खी उड़ने लग गए, काटने लग गए, बोले ये क्या है, बोले संसार में जो दुख कष्ट है, तन से दुख, मन से दुख, परिवार से दुख, बहू से दुखी, सास से दुखी, नांद से दुख, पड़ोस से दुखी, पति से दुखी, काम से दुखी, धन से दुखी, मन से दुखी, इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, सब दुखी 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 दुखी। कहते ये क्या कर रहे, चारों तरफ में हमें है, चारों तरफ में ये मधुमक्खी काट रहे। इसमें जो मधुमक्खी की छत्ता से एक आध बूंद जो मधु टपक रहा था, ये क्या है, कहते ये क्या है, कहते कभी घर में आए तो बच्चे कभी मीठी मीठी बोले से पापा पापा मामा मामा बोल दिया है, पत्नी ने कभी थोड़ी सी मीठी बोली बोल दी, बात इसको सुन करके बोले क्या आनंद है, बात सब दुख कष्ट भूल जाते हैं, फिर माया में पड़ जाते हैं। इसलिए इस संसार को क्या बताया, गृहांध कुपम है, हितात्म पातम, कति आत्मा को अधबतन का स्थान है, लेकिन उसको छोड़ करके हितात्म गृहांध कुपम वनम गत जत हरिमाश्रय थे, कति जी जो वन में जाकर के भक्तों की चरण को आश्रय करते हुए जो भगवान को भजन करते हैं है, कति ये सबसे यही श्रेष्ठ विद्या है। लेकिन ये किसके लिए है, यहाँ पर एक अच्छी बात बताएं, बोले ताबत कारागृहम, तब तक ये संसार एक कारागृह है, हैं कारागृह मतलब जो जेल में, बोले कब तक ये जेल है, बोले ताबत मोहग्नि निगड़ो, जो संसार में जो मोह है, संसार में हम क्यों बार-बार आ रहे हैं जा रहे हैं, संसार में हमारी जो मोह है, संसार के प्रति हमारी जो मोह है क्या है, ये हाथ प्यार को, ये प्यार को बांध करके संसार में हमें रखा हुआ, मोहग्रह निगड़ो तबत कारागारा गृह, तब तक ये संसार कारागृह है। और कब तक है, बोले जाबत कृष्ण न त्यजना है, कहते जब तक भगवान को अपना जीवन का सर्वस्व नहीं बना देते हैं, तब तक ये संसार के अंधकार हुआ है। अतावत राग आदयस्तेना, ये जो हमारी जो अनुराग जो प्रेम है, अनुराग व प्यार हमारे जो प्रेम है क्या करता है, कहते कि चोर बनकर के ये चोरी कर रहा है, ये जो प्रेम है ये चोर चोरी बन कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या,
भगवान ने हमें जो प्रेम दिया है, जो हमारी ममता दिया है, इसको क्या कहाँ पर लगानी चाहिए? भगवान में लगानी चाहिए, भक्तों में, संतों में लगानी चाहिए, हैं? लेकिन हम भगवान की भक्ति में नहीं लगा कर इसको हम ये घर गृहस्थी माया में हम लगा देते हैं। लेकिन कब तक है? बोले जब तक हम भगवान को नहीं अपना देते। लेकिन जिस घर में भगवान का कीर्तन हो, भगवान की पूजा पाठ, भगवान की भक्ति जिस संसार में हो, कहते फिर घर घर नहीं। इसलिए भक्तिमान ठाकुर क्या कहते हैं, यदि नगरी है भजन देखी गृह ते गोलक भाया, यदि नगरी है भजन देखी गृह ते गोलक भाया, प्रसाद सेवा करते आया सकल प्रपंच जा भजन देखे। जो घर में भगवान का भजन कीर्तन पाठ पूजा भक्ति हो, गृहते गोलक भाई, कहते तो गृह क्या है, गृहते गोलक मतलब घर, गोलक वृंदावन है। जिस घर में ठाकुर का भक्ति पूजा पाठ है वो कारागृह नहीं, वो तो भगवान की मंदिर है, है? मंदिर है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अधिकतम ब्रजवासी गण जब तुम्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म रूपे जादर अधीन है। यहाँ पर कह रहे बोले प्रभु, लेकिन जो ब्रज में जितने ब्रजवासी लोग हैं, ब्रज में जितने ब्रजवासी लोग, वो लोग क्या है कि तुम तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म रूप में जिनको घर में निवास करते हो हैं। इसलिए ब्रज जो तुम्हें अधिकतम ब्रजवासी गण जो तुम्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म रूप जादर अधीन वर्तमान है। लेकिन जो ब्रजवासी लोग, वो भी तो दिखाई पड़ता है, वो भी तो घर में ही है, हैं? उनको तो बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी उनको भी है। लेकिन कहते हैं ब्रजवासी लोग ये साधारण नहीं, क्योंकि जिनका सर्वस्व तुम हो, दिन रात तेरे सिवाय मक्खन बनाती तो किस लिए मक्खन बनाती हैं? बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया। इसलिए घर में जो मक्खन बनाती किस लिए? बोले तेरे लिए दही कर रखी राखी नंदलाल आइयो गोपाल कन्हैया, तेरे लिए कोरी कोरी मटकी में भोली भाली गई उनकी, इसलिए नई नई मटकी में तेरे लिए मक्खन बना करके दही बना करके हम रखे तो आ और उसको आरोग्य सेवा करके जा। इसलिए जो बनाती है कृष्ण के लिए। अगर घर में झाड़ू लगा दी तो क्यों, कृष्ण अगर कभी घर में घूमेंगे तो इनकी पैर में धूल नहीं लगी जाए, इसलिए झाड़ू लगाती है। और झाड़ू तो लगाती है हाथों में, लेकिन मुंह में क्या गाती है? बोले गोविंद दामो धर्माधिपति गोविंद दामो धर्माधिपति गोविंद दामो धर्माधिपति गोविंद जितने ब्रजवासी है ना, इनका प्राण तुम भी इनका प्राण, ये भी तुम्हारी प्राण है। इसलिए उनका जो घर है घर नहीं, उनका घर तो सख्या तुम्हारी धाम है, वृंदावन है वृंदावन है। अरे ब्रह्मा जी लास्ट में कहते बोले जानंतु एव जानंतु किम भक्त्या नमे प्रभु मनसा बबसा बाचम वैभव तब गोचरम। लास्ट में ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई कहता है अरे हम भगवान को जानता हूँ, वो जो गैया पीछे पीछे चलता था ना, है गोपियों का कपड़ा चुराया रास रचाया है, जो घर घर में मक्खन चोरी करता था, वही कृष्ण की बात है ना, कुछ कुछ लोग कहते हैं ना, और वही कृष्ण का बात। लेकिन ब्रह्मा जी कहते जो व्यक्ति कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रभु उनको जानने दो, है
उनको जानने दो, लेकिन मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कहता हूँ। उनका तो एक एक सारे है और इनका सृष्टि करने वाला मैं हूँ। सृष्टि दुनिया को मैंने तो किया ना है। अगर कोई कहता है मैं जानता हूँ उनको जानने दो, लेकिन मैं कहता हूँ सनक पिता ब्रह्मा जो चतुर्मुख ब्रह्मा जो जगत को सृष्टि करने वाले। अब ब्रह्मा मतलब क्या है, बोले ब्रह्मा एवं सर्वभीत भवती, मतलब जो सब जानते हैं सब दुनिया ब्रह्मा। साधारण देवता को हम जाकर प्रार्थना करते हैं ना, हे देवताओं हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमें ये दे दो। लेकिन इस ब्रह्म लोक में जो रहते सबसे ऊंचा लोग ब्रह्मा लोक में जो रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा मतलब जो सब कुछ जानते हैं, वो कह रहे हैं प्रभु मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कह रहा हूँ। हाँ, मन सा बहु सा वाच काय मन वाक्य से वो कह रहा हूँ प्रभु आपकी महिमा को। हैं कहते पृथ्वी का धूल कण का कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी महिमा को कोई गिन नहीं सकते, तेरे महिमा को कोई नहीं जान सकते हैं। हैं कहते इसको पर में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका लिखते हैं। टीका में कहते हैं है? कहते ब्रह्मा जी मेरे जो स्वरूप जो लीला है, हैं जो भक्तों का जो ब्रजवासियों का जो तत्व आमार आगे आर कत जन आछे व्याख्या कर तुम्हार मत। कहते हम मेरे और ये ब्रजवासियों का जो महिमा है तुम्हारे जैसे और कितना लोग जो कि इनकी महिमा को और जानते हैं बताओ। हाँ तुम बताओ, मानो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तादरे नाम बोलो जो कि मेरे महिमा ब्रजवासियों का महिमा जानते हैं। कृष्ण ऐसे वक्रोति, वक्रोति मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं वक्र उक्ति, मतलब टेढ़ी टेढ़ी भाषा में कह रहे तुम और ऐसे कितना व्यक्ति तेरे जैसे जो मेरे और ब्रजवासियों का महिमा जानते हैं। अगर कृष्ण अगर ऐसे वक्र उक्ति को अगर बोले तो ब्रह्मा बड़े शर्मिंदा होकर के हैं शरीर कांपते हुए अनुताप को साथ में कह रहे हैं, बोले हे प्रभु जानंतु एव जानंतु। जो लोग कहता है कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ उनको जानने दो, लेकिन मैं जो हूँ ब्रह्मा जी जो मैं हूँ महामूर्ख, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ ब्रह्मा जी कहते हैं मैं महामूर्ख हूँ। हैं यदि बोले अगर कोई कहते हैं अभी तक तो तुम बड़ी बड़ी बात कर रहा था, ब्रह्मा बड़े बड़े स्तुति कर रहे थे ना, अभी तक तो तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, फिर मेरे बछड़े सखा को भी तुमने चोरी करके ले लिया है, लेकिन अभी तो अपने आप को बेकूफ कह रहे हो, अभी तक तो तू बड़ी बड़ी बात कह रहा था। फिर यहाँ कहते हैं किम बहुत्या, मतलब अधिक बात का क्या प्रयोजन है, हैं कि तुम्हारे सामने बहु बोला मूर्ख। अगर तुम्हारे सामने ज्यादा बोलना है ना ये ज्यादा मूर्खामी का प्रकाश है, हैं बेकूफपणा है, हैं बेकूफपणा है। अगर कोई बोले तुम ब्रह्मा जी कहते हैं कहते मैं निष्कपट रूप में मैं बोल रहा हूँ, है क्या निष्कपट रूप में बोल रहे हो, उत्तर दे रहे हैं कहते नामे प्रभु हमारे काय होने वाक्य अगोचर। कहते प्रभु निष्कपट रूप में ये बोल रहा हूँ मेरे काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा आप अगोचर हो, आपको काय मन वाक्य से आपका हम पहचान नहीं सकते। तब वैभवम तुम्हारा जो ऐश्वर्य है मन ध्यान द्वारा, मन और ध्यान के द्वारा तुम्हारे ऐश्वर्य को हम था नहीं पा सकते हैं। बोले बपुस, बपुस मतलब शरीर को द्वारा, मतलब हम कहते ना जो चीज को देखेंगे वो चीज को मानेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपका मैंने देखा क्या करते हुए भोजन करते हुए सारे सखाओं का आप झूठन खा रहे थे। अगर कोई सोचे नहीं भगवान को देख कर समझ जाएंगे ना, कहते मैंने भी तो देखा तुम्हारी लीला सखाओं के साथ में कैसे बैठ करके वन भोजन कर रहे थे, सखा लोग घर घर से लाए थे कलेवा लाए थे खुद खा करके आपको दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा ये कैसे भगवान जिनको झूठन फूटन को भी पता नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में जाओगे ना जो भगवान ऐश्वर्य जो भगवान की सेवा होता है, जगन्नाथपुरी में जाओगे जो रसोई बनाता है मुँह में कपड़ा बांध करके पूरा, क्योंकि जब हम बात करते हैं अनजान में थूक गिर जाती है, हैं इसलिए नियम है जो रसोई बनाते हुए ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, जितना जरूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अनजान में आप देखना जैसे हम बात करते हैं ना मुंह से कभी कभी थूक गिर जाती है,
इसलिए जब जगन्नाथ जी को जो प्रसाद ले जाते हैं सब मुंह में कपड़ा बांध करके जगन्नाथ जी कपड़ा बांध कर ले जाते हैं। इसे जो नारायण की जो सेवा होती है वो बड़ी निष्ठा नियम हाँ बड़े विधि विधान के साथ में उनकी सेवा होती है। लेकिन कृष्ण तो यहाँ सबको झूठन खा रहे, ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। इसलिए बपुसा कहते ये आंख में देखने पर भी शरीर द्वारा भी आपको जाना नहीं जा सकता है। बाचा बाचा मतलब होता है वाक्यों के द्वारा है आपकी गुण का कोई था नहीं पा सकते हैं। बोले मनसा कहते मन के द्वारा भी तुमको कोई जान नहीं सकते हैं। इसलिए हे प्रभु मैं तो अत्यंत अत्यंत तुच्छ हूँ, मैं अत्यंत अत्यंत तुच्छ हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को ये सब स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोले लास्ट में कहते बोले हे प्रभु जगत का हे ईश्वर बोले अनु जानी माम कृष्ण सर्वत्वम व्यति सर्वदिक त्वमेव जगताम नाथ जगते एतत् तवापितम। हैं प्रभु बहुत समय हो गया हैं आपको स्तुति 40 श्लोक से उन्होंने स्तुति की। कहते बहुत समय हो गया आपका स्तुति करते करते और एक साल से भगवान क्या कर रहे हैं हाथ में दही भात, वही दही भात हाथ में एक साल से ठाकुर के हाथ में वही दही भात ठाकुर लेकर घूम रहे हैं। अभी भी कृष्ण वहीं पर है, दही भात आचार है फल है एक हाथ में रखे हुए और खा रहे थे, खाते समय उन्होंने चोरी किया ना, अभी भी ठाकुर वहीं पर घूम रहे हैं हाथ में दही भात लेकर एक स्वरूप में। एक स्वरूप में तो ब्रज में रोज जाते हैं और एक स्वरूप में अभी भी कृष्ण वहीं पर हाथ में दही भात लेकर खड़े ठाकुर जी। इसलिए प्रभु जी मैं इसलिए प्रभु आप कौन हो, बोले सर्वद्री बत्सी अनुजानी माम कृष्ण सर्वतम बत्स सर्वदी त्वमेव जगताम नाथ जगत एत तवा तब तवार्पितम। इसलिए प्रभु आप कौन हो, कहते आप तो सर्वदर्शी हो जगत का ईश्वर हो हैं, अतएव ममतास्पद ये जो संसार विश्व ये कौन है शरीर अपना चरण सम। इसलिए जो साधारण ये ब्रह्मांड का सृष्टि करता ब्रह्मा जी, इसलिए कहते प्रभु हैं ये मेरा जो यह शरीर मैं संपूर्ण रूप में आपका चरण में समर्पण करता हूँ, आप मेरे को आज्ञा दो अभी मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। क्योंकि जब तक यहाँ पर रहूँगा ना ठाकुर जी भोजन कर रहे थे ना, इसलिए क्या नियम है जब कोई व्यक्ति भोजन करते हैं भोजन को बीच में कुछ बोलनी नहीं चाहिए, जैसे कोई भोजन कर रहे भोजन से उठना थोड़ी अच्छा बात नहीं, कहते ना भाई भोजन कोई हटात कोई काम आ जाए भोजन करो, पहले भोजन करो उसके बाद फिर बात बताएंगे, भोजन को बीच से उठना सही नहीं। लेकिन कृष्ण भोजन कर रहे थे, भोजन एक ना रोटी खा रहे हो सब्जी खा रहे हो दाल खा रहे हो चटनी खा रहे हो, भोजन एक आनंद का चीज़ है ना, भोजन बीच में कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलनी चाहिए है भोजन के बीच में। इसलिए कृष्ण भोजन करते समय ब्रह्मा जी ने बाधा दिया, इसलिए बोले प्रभु जब तक मैं यहाँ रहूँगा ना तब तक तुम्हारी लीला में बाधा है, अब भोजन करते करते बाधा डाला, इसलिए मेरे को आप दुनिया का मालिक आप हो, ये शरीर में आपका चरण में समर्पित करता हूँ, इसलिए मेरे को आदेश दो मैं जा रहा हूँ। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने ठाकुर को नियम बताए, मंदिर जो परिक्रमा कितना बार हम करते हैं चार बार करते हैं, लेकिन उन्होंने तीन बार परिक्रमा किया है, उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके जल जल चला गया। तो कहते उन्होंने तीन बार क्यों परिक्रमा किया चार बार क्यों नहीं किया, बोले इसीलिए बोले जितना समय यह रहूंगा तब तक तुम्हारी लीला में व्याघात होगा, इसलिए जल्दी जल्दी बस चार बार पूरी नहीं किया तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्मा वहां से हैं ब्रह्मा वहां से भाग गए ब्रह्मा। फिर इसको बाद में यहाँ पर और कुछ अच्छी अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं वहाँ पर लीला कैसे हुई, कैसे लास्ट में सखाओं ने जब ब्रज में आए एक साल हो गया ना बीच में प्रश्न किया ना, उन्होंने 5 साल उम्र में अघासुर को वध किया, लेकिन जब घर में आकर के बोले 6 साल में, बोले 6 साल में क्यों, बोले कारण है कृष्ण का जो बछड़े सखाव को ब्रह्मा जी जो असली जो बछड़ा सखाव को वहीं पर कृष्ण वहीं अंतर ब्रजरज में अंतर ध्यान कर रहे थे वहीं पर छुपा दिए थे, और अभी जो रोज रोज सखा लोग घर में जाते थे बछड़े वो कौन थे, ये कृष्ण थे, ये कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन करके रोज रोज ये इनको साथ में कृष्ण लीला कर रहे थे है?
लेकिन असली जो बच्चा शरण वही पर थे जो उन लोगों ने फिर उनको साथ में कृष्ण लेकर गए। हो गया एक साल लीला होगी, इसलिए वो एक साल के बाद में जाकर बोले बोले मैया मैया आज तो कान्हा ने बहुत बड़ा एक सांप को मार डाला, लेकिन वो अघासुर को मार दिए थे, कहते बहुत बड़े एक सांप को उन्होंने मार डाले, इसलिए उन्होंने एक साल के बाद में जाकर के बोले। फिर इसको बीच में कोई कुछ अच्छी अच्छी बात है, मैं तुम लोगों को अलग बैठा करके ये बात अलग बैठा कर बता दूंगा। और एक श्लोक है जो श्लोक मैंने बोला नहीं, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। और जितने जो 40 श्लोक में तो पितामह ब्रह्मा जी कितने कितने सारे बात बताए, हम तो बीच बीच से कुछ कुछ श्लोक को लेकर के यहाँ पर टीका को बोल दिया। अगर तुम लोग बहुत अच्छी तरह से अगर उसको जानना है फिर तो भागवत का आप विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर का जो टीका है उसको अच्छी तरह से देखो पढ़ो, फिर अच्छी तरह से उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, अरे इसलिए कहते ब्रह्मा जी स्वयं, इनका दो लीला आती है ब्रह्मा जी, क्या है कि जब ब्रह्मा जी एक बार जो कहते ना जानंतु एव जानंतु, जो कहते मैं जानता हूँ उनको जानने दो, लेकिन मैंने काय मन वाक्य से कहता हूँ उनका वैभव को मैं पहचान नहीं पाया। पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश की बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन तेरी महिमा को कोई था नहीं पाते। इसलिए उसमें दो कथा आती है, कहते एक कथा चैतन्य चरितामृत की, एक समय ब्रह्मा के इसे द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए गए, जब मिलने के लिए गए चौकीदार था, बोले मैं ब्रह्मा आया हूँ भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो चौकीदार गया, बोले एक ब्रह्मा कोई आया कहता है आपसे मिलने के लिए, इतने में कृष्ण ने इतना बोल दिया उनको पूछो वो कौन सा ब्रह्मा है। इतना सुनते ही तो ब्रह्मा का पूरा एकदम प्यार से लेकर सर तक एकदम आग लग गई, उनको बड़ा ब्रह्मा क्या हाँ ब्रह्मा क्या 10-20 ब्रह्मा होते हैं, जाकर बोल दो सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा है, हाँ? और ब्रह्मा क्या सोच रहा था मैं अकेला ब्रह्मा, ज्यादा कोई ब्रह्मा है ही नहीं, कृष्ण समझ गया। इतने में ब्रह्मा जी को बोले ठाकुर जी बुला रहे, जब गए इतने में ब्रह्मा जी पूछना चाह रहे थे, बोले प्रभु आप ऐसे क्यों पूछा कौन सा ब्रह्मा। इतने में कृष्ण ने कहा थोड़ी सी बैठ जाओ मैं थोड़ा अपना मंत्र जप कर लेता हूँ, थोड़ा बैठ जाओ। एक कोड़े में खड़े हो गए, बाद दूसरे जितने ब्रह्मांड में ब्रह्मा थे उनको याद किया। इतने में देखा चतुर्मुख एक 8 सर वाले ब्रह्मा आ गए, आकर के भगवान की चरण जिस सिंहासन में रखे हुए उसमें जो शरीर प्रणाम कर रहे थे उनका जो मुकुट 8 सर का मुकुट झन करके आवाज होता था हैं। फिर उन्होंने देखा 16 सर वाले ब्रह्मा आ गए, फिर देखा 32 सर वाले, 64 हजार सर वाले ब्रह्मा आए। और लेकिन आश्चर्य की बात था ये जो ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा सबको दर्शन कर रहे थे, लेकिन सब इनको नहीं दर्शन कर पा रहे थे, सबको भगवान पूछ रहे थे सब ठीक ठाक है ना। बोले प्रभु अहो भाग्य बड़े दिनों में हमें स्मरण किया है, आपका दर्शन हुई है, आपका आशीर्वाद से सब ठीक ठाक। बोले केवल ब्रह्मा नहीं शंकर जी भी आए, 10 सर वाले शंकर, 20 सर 40 सर हैं, 80 160 ऐसे ऐसे सर शंकर जी भी आए, सब के सब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। तो कहते हमारी ब्रह्मा का स्थिति कैसे, जैसे हाथी को बीच में जैसे मच्छर का अवस्था, हाथी को बीच में जैसे मच्छर का स्थिति, ये ब्रह्मा की ये स्थिति। फिर ब्रह्मा समझ के लिए बोले भैया मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ब्रह्मा देखता हूँ, सबसे छोटा ब्रह्मा मैं हूँ, सबसे छोटा ब्रह्मा मैं हूँ और सबके सब मेरे से सबके सब बड़े ब्रह्मा है। फिर उनका सारे अभिमान चकना शुरू हो गया है, सारे चकना। ये एक कथा, और दूसरी जो कथा कौन सा, हाँ इसलिए ब्रह्मा जी जो बोले हैं, ब्रह्मा जी एक दिन सोच रहे हैं अरे इतना बड़ा दुनिया को मैं संभालता हूँ, भोर भूव मोह जन तप सत्य अतल बीतल तलातल महातल पाता, इतना अब लोग तुम्हारे घर में कितना लोग है, 4 2 बच्चे हैं, अभी घर को तो संभालते होगे तुमको पता होगा कितने हिमसे में खा जाते हैं हैं, केवल 2 बच्चे कुल 4 व्यक्ति को संभालने के लिए कितने हिमसिम दिन रात लगे हुए दिन रात सबर से। लेकिन जिसका थोड़ा बड़ा संसार होगा और जो टाटा बिरला और अंबानी कंपनी मालिक को पूछो उनका क्या स्थिति होगी, उनको नींद आती कि नहीं, मैंने सुना तो बड़े बड़े कंपनी का जो मालिक होते हैं ना उनको नींद नहीं आती है, जब नींद नहीं आती गोली खा करके वो सोते हैं, फिर जब उसमें भी नींद नहीं आती मैंने सुना वो जाते हैं
हैं, एक सांप होता है जो पूरा इतने नशा है, नींद बोतल खोल करके सांप होता है, उन पर डंक मारता है, डंक मारने पर उसका शरीर जहर जाता है, जहर जाने पर जाकर किसी तरह से जाकर सोते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस मैन है, किसका तो छोटा सा दुकान चल रहा है ना, देखना पपड़ी खराब हो जाता है, जिसके बाद 8-10 लोग, अधिकतर 100 लोग, 1000 लोग, कितना, और पूरा जो केवल भारत नहीं, संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी नहीं केवल ये हो गया भूल है, भूभुव मोह जन तप सत्य, फिर अतल बीतल तलातल महातल पाता, बताओ कितना बड़ा टेंशन हो। हम लोग ये मंदिर मंदिर में चला रहे हैं, अरे कभी कभी यहाँ के तो माताएं बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना बना कर ले आते हैं, हाँ बना बना कर ले आते हैं प्रसाद, आप उनको ले दे जाते हो, हैं हम केवल 4-5-6-7 लोग रहते तब भी एक मंदिर चलाना कितना हैवी में खा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का अभिमान क्या हो गया, मैं इतना बड़ा काम करता हूँ और भगवान मेरे को बहावा नहीं देते, अरे कम से कम ध्यान तो बोले कुछ बोलते नहीं, बोले एक महीना अगर छुट्टी ले जाओ ना, खुद को भगवान को करने लग जाए, खुद अगर करना पड़ जाए फिर पता चल जाएगा मैं कितना बड़ा काम करता हूँ। बोले एक महीना में ठाकुर के पास में जाकर छुट्टी लेता हूँ, वो आए बोले प्रभु मैं एक महीना छुट्टी लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा क्या सोच रहे थे, ठाकुर जरूर बोलेंगे भैया इतना बड़ा काम संभाल रहे हो, संपूर्ण हाँ संपूर्ण पृथ्वी का काम संभाल रहे हो, ये एक महीना क्यों थोड़ा कम ले जाओ, ठाकुर तो बोलेंगे इतना। लेकिन जब आकर के बोला है ना ठाकुर जी मैं एक महीना की छुट्टी, ठाकुर कोई बात नहीं जाओ कोई बात नहीं जाओ। ब्रह्मा बोले ठाकुर तो कुछ भी नहीं, बोले जाओ कैसे संभालेंगे। जब वापस आ रहे थे क्या देखा, 8 सर वाले ब्रह्मा बड़े तेजी से जा रहे थे, हैं बोले भैया ये कहाँ से आ गया, मैं तो सुनता मैं अकेला ब्रह्मा, ये तो 8 सर वाले ब्रह्मा भैया कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बोले मेरे पास समय नहीं, पीछे ब्रह्मा से पूछो। फिर पीछे क्या देखा, 16 सर वाले ब्रह्मा, उनको भी रोकने के लिए कोशिश किया, बोले भैया ये तो उससे भी बड़ा है, बोले तू कहाँ से आए हो क्यों इतना तेजी से जा रहे हो, बोले मेरे पास में बात करने का समय नहीं, पीछे से देखो ऐसे 1000 सर वाले ब्रह्मा, कितने सर वाले ब्रह्मा आए, कोई भी नहीं रुक रहे थे, बोले पीछे ब्रह्मा को पूछो समय नहीं। जो लास्ट ब्रह्मा था ना किसी तरह से हाथ पार बोल करके उनको रुकाया, बोले भैया तू कहाँ से आ रहे हो इतना तेजी से, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा कहाँ से आ रहे हो, बोले देखो ये जो ब्रह्मा है तुमका जिसका दायित्व तुम्हारे ऊपर है ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और भगवान की एक एक लोक रूप में हाँ जस्य प्रभा प्रभुवत जगत दंड कोटि, कल जिनकी एक एक लोक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है ऐसे, और तुम्हारी ब्रह्मांड सबसे छोटा जो तुम देखभाल करते हो, हम लोग इससे कितने कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड का ब्रह्मा है हम वही रहते हैं। बोले फिर इतना तेजी से अंदर में क्यों जा रहे हो, क्या बात है, बोले हमारे मन में कभी अभिमान हो गया था, हम इतने बड़े ब्रह्मांड को हम देख रहे कर रहे हैं, ठाकुर जी कभी हमें थैंक यू नहीं भी बोलते हैं, इसलिए हमने सोचा अगर एक महीना छुट्टी अगर ले जाए ना ठाकुर खुद करना पड़ जाए फिर पता चलेगा हम कितना काम करते हैं। बोले फिर क्या हुआ, बोले हम जो छुट्टी लिया ना पूरा नौकर से छुट्टी मिल गया और नौकर नहीं मिल रहे हम, हाँ बहुत परेशानी है। बोले अंदर में क्यों जा रहे हो, बोले हमने सोचा ऐसे किसी ब्रह्मा के मन में अभिमान होकर के वो भी एक महीना की छुट्टी लिया, हो सकता है जल्दी से जल्दी जाएंगे ना हमें वो पोस्ट मिल सकता है, इसलिए हम जोर से इतना तेजी से जा रहे हैं। ब्रह्मा तो वहीं सर पकड़ कर बैठ गया, बोले हे भगवान लगता है मेरी नौकरी गई नौकरी गई और नौकरी से आधा में और मिलने वाले नहीं, ये भगवान की विभूति है ये भगवान। इसलिए कृष्ण हमारे घर में जो लड्डू गोपाल बनकर बैठे है ना और देखने के लिए चुपचाप बैठे हो, बड़े बड़े असाधारण नहीं लगता है, इतने छोटे से बैठे हुए घर में हैं और सब कुछ करने वाले जिनकी इशारा में सारे काम, जिनकी इशारा पर सारे काम चल रहा है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ हरे कृष्ण। हाँ कौन बोलेगा आज, कल का कथा किसको याद आती है।